रेलवे की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले कुछ मजदूर अचानक गायब होने लगे। रात में काम करने वाले मजदूरों की जब गिनती होती तो कोई ना कोई गायब होता। कौन था जो ये सब कर रहा था? कौन रात के अंधेरे में मजदूरों को गायब कर रहा था? क्या कोई शैतानी ताकत रेलवे के कंस्ट्रक्शन को रोकना चाहती थी, या फिर कहानी कुछ और थी? मार्च 1898 केनिया में ब्रिटिश लोगों ने सावो नदी पर एक पुल बनाना शुरू किया था। इस पुल को हिंद महासागर पर बने किलिंदनी हार्बर और युगांडा को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। रेलवे के इस विशाल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए करीब 13 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों कैंप बनाए गए थे। ये कैंप उन मजदूरों और कर्मचारियों के लिए बनाए गए थे जो साइट पर काम करते थे। इनमें से ज्यादातर लोगों का ताल्लुक भारत से था। इस प्रोजेक्ट की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हेनरी पैटरसन के हाथों में थी। पैटरसन को यह जिम्मेदारी निभाते हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक उन कैंपों से मजदूरों की संख्या कम होने लगी। रेलवे साइट पर रात में काम करने वाले मजदूरों को जब सुबह गिना जाता तो उनमें से कोई ना कोई कम होता। चिंता बढ़ती जा रही थी क्योंकि साइट पर काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी बेहद डरे हुए थे और अपने साथियों के गायब होने से उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। इसलिए साइट पर बने सभी कैंप्स के पास रात को पहरा बढ़ा दिया गया और फिर एक दिन मजदूरों के कातिल को देख लिया गया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अचानक रात के अंधेरे में एक कैंप में कुछ मजदूर चीखने लगे क्योंकि उनके साथियों पर दो नरशेरों ने हमला कर दिया था। वो शेर दो मजदूरों को अपने जबड़े में दबाकर गुम हो गए थे। मजदूरों के गायब होने की वजह का पता चल चुका था लेकिन यह सिलसिला कब थमेगा कोई नहीं जानता था। इसलिए अब सभी कैंपों के पास गश्त तेज कर दी गई। मजदूर कैंप के बाहर आग जलाकर सोने लगे। कुछ महीनों तक रेलवे के साइड पर दोनों शेरों का हमला थम गया लेकिन उन शेरों के मुंह में इंसान का खून लग चुका था। इसलिए उन्होंने दूसरे आबादी वाले इलाके का रुख कर लिया और वहां भी वही सिलसिला शुरू हो गया जो रेलवे की कंस्ट्रक्शन साइट पर चल रहा था। अब दहशत का दायरा और बढ़ चुका था। न रेलवे की साइट पर काम करने वाले लोगों को नींद आ रही थी और ना ही उसके पास मौजूद गांव के लोगों को, क्योंकि दोनों शेर किसी ना किसी को रोज अपना शिकार बना रहे थे। वो अब पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से लोगों पर हमला कर रहे थे। हालात उस वक्त और गंभीर हो गए जब दोनों शेरों ने एक अधिकारी और उसके सहायक पर हमला कर दिया जिसमें सहायक की मौत हो गई जबकि अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलों के अचानक बढ़ने से रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट से सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया। इसलिए अब जरूरी हो चुका था कि दोनों शेरों के खात्मे का कोई ठोस रास्ता निकाला जाए। यहां मोर्चा संभाला लेफ्टिनेंट जनरल जॉन हेनरी पैटरसन ने, जिन्होंने 20 हथियारबंद सिपाहियों को अपने साथ लेकर आदमखोर शेरों को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार किया। पैटरसन ने शेरों को ठिकाने लगाने के लिए कई कोशिशें की लेकिन चालाक शेरों ने पैटरसन और उनकी टीम को छका दिया। तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार 9 दिसंबर 1898 को एक शेर को मौत की नींद सुला दिया गया जबकि इसके ठीक 20 दिन बाद दूसरे शेर को भी मौत दे दी गई। लेकिन इन दोनों को मारना पैटरसन के लिए आसान नहीं था क्योंकि इनमें से कोई भी शेर एक गोली से नहीं मरा था। पैटरसन ने अपनी किताब द मैन ईटर ऑफ सावो में लिखा है कि पहले शेर की मौत दो गोलियां चलाने के बाद हुई थी जबकि दूसरे शेर को मारने के लिए
9 गोलियां चलानी पड़ी थी। इतना जरूर था कि दोनों शेरों की मौत के बाद उस दहशत का अंत जरूर हो गया था जो कई महीनों तक रेलवे साइट पर काम करने वाले मजदूरों और गांव वालों का पीछा कर रही थी। आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई तो स्टोरी स्नाइपर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।